So pressure means what, beta? If you are going to apply that force to particular area, then it can be a pressure, right? And we discussed those examples for pressure. We started that introduction part. Now we'll continue with factors affecting. Okay. So like we have seen that in case of force, we are having different types, right? Muscular force, we are having non-contact force and contact force, right? Forces, those are the examples. Same thing we are going to see that pressure we can apply it only in air or water or solid parts, right? So we have started that pressure. Like if you want to just penetrate the surface of any wooden log, right? If you are betting that hammer over the head of iron nail. So you know that we discussed why that second end of iron nail, tail of iron nail is pointed, right? I'll share here. Okay, before that, we need to discuss our paper, right, Beta? We discussed that paper or not? I think we discussed that No, paper, right? ma'am. No? No, No? ma'am. Monday Okay, was okay. our holiday. Okay. We'll start with that first, okay? So your first question was. Ma'am, 1 minute, I'll bring Ma'am, it. 1 minute I take book. Okay. Bring it here. First question is, which of the following is a non-metal, right? So it's simple. Non-metal, we need to find out. So which one is? Oxygen is correct answer, right? But I think so many of you have mentioned oxygen only, but few of you mentioned that another answer, and that is not correct. Second is, non-metals are generally solids and gases. That is correct answer. Okay. It's not only gases or not only solids, but it's mixture of solid and gases. Third question is, which of the following metal is stored in kerosene? So यहाँ पे सोडियम सोडियम पोटेशियम दोनों आएगा, बट क्योंकि हमारा एक ही आंसर है तो सोडियम जाएगा. फॉस्फरस और पोटेशियम अलग है बेटा. फॉस्फरस जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है? सोडियम एंड पोटे यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम दोनों एग्जाम्पल कैरोसिन के लिए सही. फाइन. थर्ड वन, फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल. हाँ, नॉन रिन्यूएबल सोर्स यानी क्या? यहाँ पर वाटर लिखा है आप ऑलमोस्ट सब. वाटर नहीं है, नॉन रिन्यूएबल यानी जो हम फिर से रिन्यू ना कर सके. तो यहाँ आंसर पर कोल आएगा। वहां पे आंसर आएगा कोल, बेटा कोल. यस मैम। ओके मैम। ओके, वो क्लियरली मेंशन है. फॉसिल फ्यूल्स आर, सारे ऑप्शन उसके लिए सही है. कोल भी है, पेट्रोलियम भी है और नेचुरल गैस, ये तीनों ऑप्शन है. कोल एंड पेट्रोलियम हमारे चैप्टर का नेम ही यही है, राइट? तो उसमें से सारे आंसर ऑल सही ऑफ है. सो ऑल दिस ऑफ दिस. मैम, सेकंड का आंसर क्या था? कौन सा बेटा सेकेंड क्वेश्चन? जनरली यस मैम। सॉलिड्स एंड गैसेस. ओके मैम। फाइन. अब मेटल्स आर नॉन सोनरस, तो ये गलत है. फॉल्स, दे आर सोनरस, राइट? मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर, तो मेटल्स रिएक्ट करते हैं. डेफिनेटली मेटल्स आर गोइंग टू यस रिएक्ट विद मैम। वाटर, राइट? सो ट्रू. एंड फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज ट्रू. देन थर्ड वन, नेचुरल गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन, तो ये सही है. हम ऑलरेडी ट्रांसफर करते हैं घरों में, राइट? देन फोर्थ एग्जाम्पल, फोर ट्रू फॉल्स, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूअल, वो गलत है. वी सी, वी हैव सीन फॉल्स। दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में केरोसिन आल्सो, दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट, है ना? वो यस फॉल्स है. नाउ कंपैरिजन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. क्लियरली यहाँ पे मेंशन था कि दोनों को यहाँ पे किसके बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है. कंपेयर केमिकल। एंड डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे ये भी पूछा है कि कंपेरिजन, कंपेयर करो कि कौन सी चीज यहाँ पर उसकी अलग है या सेम है. तो वो सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे करना था बेटा, है ना? बट बहुत सारा आपने क्या किया है, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन की है, ठीक है? इस बार मैंने फिर भी मार्क्स दिए हैं, बट मेक श्योर आपके जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ो. यहाँ पे एकदम इजिली आपको क्वेश्चन को ट्विस्टेड फॉर्म में नहीं है पूछा है कि कंपेयर करो, किसको कंपेयर करना है, मेटल और नॉन मेटल को. बट हम किस कैसे उसको कंपेयर करें? हमारे पास तो दो ऑप्शंस है, आइदर केमिकल प्रॉपर्टीज से भी कर सकते हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज से. तो यहाँ पे मेंशन किया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज से करना, राइट? देन 4 मार्क्स है, तो एटलीस्ट 4 मार्क्स होने चाहिए. वो 4 में से चारों के चारों पॉइंट्स अलग होने चाहिए, रिपीटेड फॉर्म में नहीं होने चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन टू, एक्सप्लेन अबाउट कोल टार. तो हमें पता है कि वो 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस से बना है, वो स्टिकी है, उसकी स्मेल कैसी है और रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या. दैट्स इट.
थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट, वेयर एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गेट अवर कॉलर, राइट? उसकी स्टोरी क्या है, हाउ इज गोइंग टू फॉर्म? तो हमने स्टोरी पूरी पढ़ी है, पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि कॉल क्या है, यानी हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर उसकी स्टोरी कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फाइन? तो ये दोनों चीजें लिखनी है, सिर्फ एक सेंटेंस में खत्म करोगे तो अब आपको वो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, क्लियरली मेंशन किया है, उसका स्टार्टिंग ही यही है कि इक्वेशन के फॉर्म में ही आप एक्सप्लेन करोगे क्या, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, ओके? दैट इज द इक्वेशन। तो इक्वेशन कोई भी एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो, एटलीस्ट ये लिखो। यस बेटा प्लीज। सल्फर एस प्लस ऑक्सीजन ओ टू फॉर्म्स एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ ठीक है, ओके। अब वहां पे रिएक्शन फिर एक्सप्लेन करो, क्योंकि ये दो मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ रिएक्शन लिख के नहीं बैठे रहेंगे, राइट? वहां पे लिखेंगे कि अगर कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो, फाइन? द नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बेटा, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, दोनों के बारे में लिखना है, मेटल प्लस एसिड, नॉन मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड यू नो दैट व्हाट इज इट, नॉन मेटल प्लस एसिड यू नो दैट व्हाट इज इट, कहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और कहां पर वो ऑक्साइड या फिर एसिडिक फॉर्म या बेसिक फॉर्म बनाएंगे वो लिखना, ठीक है? ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, आई थिंक हमने बीच में वो छूट गई है, वो ले लेते हैं, फाइन? नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो वो कोल है, ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? सिर्फ एक मार्क्स का क्वेश्चन, मैम कोक लिखा है, मैम चलेगा? कोक और कोल अलग नहीं है बेटा, कोक और कोल में डिफरेंस है या नहीं? बट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज कोक, इट इज रिटन इन टेक्स्ट बुक में तो ये दिया है, कोल और कोक, ठीक है? कोक, अब वो कोक क्या है पहले मुझे ये बताओ, हमने कितनी चीजें स्टडी की थी, एक तो कोल टार, कोल गैसेस एंड कोक, ये तीनों किसके पार्ट है? कोल है ना, ठीक है? चलो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग, ये तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में सिर्फ आइडेंटिफाई करना था, तो कौन कौन से मेटल्स है, कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है? ये सारे कौन से है, मेटल्स है, तो उसके अलावा जो बच गए वो क्या है, नॉन मेटल्स है, ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल के अंदर होता है वो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट उसके बाद फिर भी एक प्रॉपर्टी है, किस चीज की, कंडक्टिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? वो एक्सपेरिमेंट हम इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट में देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे वर्ड आएगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसको बताया था हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। सेकंड है, विच वन इज द अनदर नेम, यहाँ पे बहुत सारों ने क्रूड ऑयल लिखा है, एक्चुअल नेम उसका ब्लैक गोल्ड इसको बोला जाता है, बट फाइन, क्रूड ऑयल पे मैंने मार्क्स दे दिए इस बार, कोई बात नहीं, ठीक है? विच वन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड नॉट आयरन, ओके? यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो लिखेंगे, अगर हमारे पास अगर तीन ऑप्शन है, जिंक, कॉपर एंड आयरन, तब हम उसकी कंपैरिजन ऐसे करेंगे, मैग्नीशियम नहीं आएगा बेटा, मैग्नीशियम कहाँ से आएगा? रिएक्टिव, रिएक्टिविटी जिंक की सबसे ज्यादा है, फाइन? सल्फर फॉर्म्स, यहाँ पे आप सबने लिखा है सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर ये लिखना है कि आइदर वो एसिड फॉर्म में है या बेसिक फॉर्म में है, राइट? एसिड्स और बेसिस, ये लिखना था आपको, तो यहाँ पे कौन सा आंसर जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स, ये लिखना था। सल्फर के केस में जाएगा एसिडिक ऑक्साइड और मैग्नीशियम के फॉर्म में जाएगा बेसिक ऑक्साइड, याद है वो मैग्नीशियम रिबन वाला, अगर बर्न करोगे और उसके एशेज से अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे और पीएच पेपर से चेक करेंगे तो वो हमने क्या देखा था, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, है ना? तो यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड लिखा। मैम सो वी कैन राइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट ये लिखना था कि वो एसिडिक हो गए या बेसिक, तो मैंने वहां पे एकदम टू द पॉइंट मार्क्स दिए थे, अगर बेसिक लिखा है तभी वो सही है, अदरवाइज मैंने उसको वैसे ही क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया, ठीक है? ओके मैम, फाइन बेटा, प्रेशर से स्टार्ट करते हैं, वी विल टेक एक्स्ट्रा फ्यू मिनट्स, 5-7 मिनट्स, बिकॉज दैट वाज दैट आई वाज फेसिंग दैट कनेक्टिविटी इश्यू, ओके? एंड वी स्टार्टेड लेट, ओके? सो विल स्टार्ट, विल जस्ट एंड इट अप
7 minutes late. Fine. So be prepared yourself. We'll start with a pressure once again. I think pressure we already discussed with her, right? Those equations and all. We completed till which portion? The pressure is equal to force divided by that area. Yes, ma'am. Ho gaya tha. Right? So we need to start the pressure in case of fluid and gases. Right? That is our next portion. Okay? So we'll start with the liquids first. Exactly how it's going to work in case of liquids. And then in case of air. Atmospheric pressure means what? We were discussing it. Right now we are sitting here, but still some amount of pressure is there. Okay, we cannot feel it right now. We cannot say air is there, but yes, some amount of that pressure is what? Right? And what pressure? That pressure is air pressure. Okay? We are surrounded by air from all the directions. This envelope of air around us is what we call atmosphere. Does air also exert pressure on objects on the earth? In our previous video, we studied that the liquid exerts pressure in all directions. For example, here we have the water in a beaker. Due to gravity, this... Water and air, sabhi direction mein pressure lagayenge. है ना ये डिस्कस किया था और इसके बाद हमने ये एग्जांपल पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक वाटर बॉटल है अगर हम वहां पे एक हॉल क्रिएट करेंगे राइट तो वो हॉल यहाँ पे क्रिएट करने के बाद पानी यहाँ पर से स्प्रिंकल होके या स्प्रेड होके नहीं जाएगा नीचे वो पानी कुछ ऐसे पैराबोलिक फॉर्म में बाहर आएगा राइट तो उसका हमने रीजन देखा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है एक एयर प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो जब हम हॉल क्रिएट करेंगे तो ये एयर प्रेशर उसको जल्दी से बाहर धक्का देगा याद है यानी यहाँ पे जो भी वाटर के अंदर कोई प्रेशर है तो हर एक डायरेक्शन में वो सेम ही प्रेशर लगता है कोई बात नहीं फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड लिक्विड राइट द इज पुल्ड डाउन टुवर्ड्स द अर्थ इफ वी डिवाइड दिस वाटर इनटू डिफरेंट लेयर्स देन ईच लेयर इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय द अर्थ ड्यू टू दिस पुल Water exerts downward pressure and this pressure is uneven throughout. That is, the bottom layer experiences more pressure than the top layer. इसके लिए एक एग्जांपल भी देखा था हमने. This is because... Right, अगर याद हो तो. कि अगर सपोज साकने के ऊपर हमने बहुत सारे गद्दे लगा दिए तो जितने गद्दे बढ़ेंगे उतना प्रेशर साकने के ऊपर बढ़ेगा है ना वैसे ही जो सबसे नीचे का लेयर होता है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है राइट ये सारा हमने डिस्कस किया था बेटा राइट If you want, then we can revise that whole thing once again. If you don't want, then we can just move towards that next topic. Because the weight of water above the bottom layer is more. And the pressure decreases as we go upwards. In fact, we saw that the water exerts pressure in all directions and not only in the downward direction. One more thing that we studied about the liquid pressure is that at any point in a liquid, the pressure is the same in all directions. That is, if I take any point here in this water, the pressure exerted by water here is the same in all the directions. Air also behaves in the same way. Just like water, air is also being pulled down by the Earth's gravitational force. वहाँ पे दो pressure लगेंगे, gravitational force भी है, ठीक है? We are going to see that air pressure is also there. Fine. ये दोनों चीजें हम water में, air में और Land pe bhi apply kar sakte. This force applies pressure on the air in the downward direction. The pressure exerted by air is called air pressure or atmospheric pressure. Did you know that the atmosphere is divided into different layers? Okay, ye already the atmosphere is divided into five layers, namely the troposphere, the Earth's surface, then the air at this point, just in graph now. Ki jitna aap higher altitude pe jaoge, jo air hai wo thin. है ना बहुत ही तीन होती जाएगी दैट्स व्हाई वी नीड टू कैरी ऑक्सीजन जो भी माउंटेनियरिंग करता है या फिर जो रॉक क्लाइंबिंग करता है राइट उनको इसकी जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन सिलेंडर की क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होता है प्रेशर नहीं बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर से ज्यादा कम होता है या ज्यादा होता है उस टाइम पे भी डिस्कस किया था हमने
एयर प्रेशर जितने हायर अल्टीट्यूड पे जाओगे एयर थिन होती जाएगी एंड द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन विल रिड्यूस, इसलिए आपको कैरी करना पड़ता है ऑक्सीजन सिलेंडर. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, हमने यहाँ पे देखा था प्रेशर के बारे में. अगर आप फॉर एग्जाम्पल If I take a table with the upper surface of 1 by 1 meter, the pressure exerted by the air on the table in the downward direction is greater than 1 lakh pascals. This is equivalent to 10 cars being put on this table. Yes, 10 cars. यानी अगर 1 meter यानी इसका सरफेस एरिया जितना है उतना ही प्रेशर उसके ऊपर लगेगा, है ना? अगर उसका सरफेस एरिया इससे आधा होता तो उतना ही प्रेशर उसके ऊपर लगा. Right, pressure exerted is more than this 1 lakh. Pascal is to measure that pressure, है ना? उसके लिए unit है. कौन देखेगा next? It is unit of pressure to find pressure. Yes, बेटा, unit of pressure, Pascal. Yes. Okay, ma'am. I know what you must be thinking. Why doesn't this surface collapse under this huge pressure? है ना? अगर इतना air का pressure है 1 lakh pascal, तो generally ये पूरा crush हो जाना चाहिए. पर ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर एयर टेबल के ऊपर लगाती है उतना ही प्रेशर ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर भी लगेगा. तो ये दोनों सेम इक्विवेलेंट हो जाएंगे. और यही चीज होती है जब हम स्पेस में जाते हैं, तब कौन सा प्रेशर लग रहा होता है हमारे ऊपर? ये जो प्रेशर है वहां पे इक्वल नहीं रह जाता. और इसलिए अगर आपने स्पेसिफिक जो स्पेस सूट है अगर वो नहीं पहना है तो जो वहां पे प्रेशर प्रेजेंट है वो प्रेशर की वजह से हमारी पूरी बॉडी हो सकती है डिस्ट्रक्शन. वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, है ना मैम? इसलिए मैम समुद्र के नीचे वो मैसिव प्रेशर एक्टिंग डाउन ऑन इट. अलग है बेटा. हां, अ लिटिल व्हाइल अगो वी सेड दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस. So the pressure at hand, so that it does not move from its position. अगर उसके ऊपर हम एक लेड रखेंगे, उसको completely वहाँ पे सील करके अगर उसको उल्टा करेंगे, that water is not going to come out. क्योंकि वहाँ पे suction create होता है. Suction यानी जो थोड़ी सी भी air यहाँ पे present थी, is going to seal it, है ना? जैसे bottle हम seal करते हैं suction से. उसके लिए मैंने एक और example दिया था, वो एक ball आता है, जो अगर आप यहाँ पे throw करोगे ball पे, तो वो चिपक जाएगा, है ना? क्योंकि वहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे hollow region होते हैं. राइट, तो सक्शन से वो चिपक जाएगा ऐसे. राइट, तो यहाँ पे सक्शन क्रिएट होगा, यानी जब आप उसको वॉल पे फेंकोगे तो इतना पोर्शन वहां पे सील हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा? एयर. तो ये वाटर वाटर वाला केस हमने पूरा देखा था, फिर से एक बार वो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. एंड इनवर्ट द बॉटल. नाउ लेट गो ऑफ द पेपर. व्हाट डिड यू सी? द कार्डबोर्ड पेपर स्टिक्स टू द सरफेस. व्हाई इज इट हेल्ड टू द सरफेस? It is held to the surface because of the air pressure that is pushing the paper in the upward direction. The upward air pressure is sufficient to counter the downward push exerted by the water. Now make few. यानि क्या हो गया? Pressure जो bottle के अंदर है और pressure जो बाहर से atmospheric pressure है, ठीक है? ये pressure अगर जब तक equal up है ना, equivalent है, तब तक वो still रहेगा. अगर गलती से आपने यहाँ किसी भी एक जगह पे pressure बढ़ा दिया या कम कर दिया, अगर यहाँ पे कम कर दिया तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ पे बढ़ा दिया तो यहाँ पे कम हो जाएगा. सिंपल, वो वैसा वर्सा. राइट, तो वहां पर जिसका प्रेशर बढ़ जाएगा उस डायरेक्शन से कम प्रेशर वाली जगह पे आपको वो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगी. होल्स इन द बॉटल एट इट्स बेस. व्हाट हैपेंस नाउ? व्हाई डिड द पेपर फॉल ऑफ? डिड द अपवर्ड प्रेशर ऑन इट स्टॉप एक्टिंग और डिड इट रिड्यूस इन द वैल्यू? नो, इट डिडंट. The upward pressure on it by the air remains the same, but the downward pressure increased in its value. When we made holes in the bottle, we allowed air to flow inside it from the top. The air from the top started exerting pressure on the water. The combined pressure of water and air from... अगर फिल करना है, अगर हमें, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. एक बड़ा सा बलून ले लो और अगर वहां पर आप देखोगे कि बलून में या फिर अगर डायरेक्टली आप किसी पिन से उसको वहां पे बस्ट करोगे तो वो पूरा बस्ट ही होने वाला है, क्योंकि पूरा एयर प्रेशर एक छोटे से होल में से निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे बस्ट होगा. बट अगर हमारे पास समझ लो कि एक बड़ी सी पॉलीथिन है जिसके अंदर हम ऐसे हवा भर के, ठीक है, पूरा उसको एयर से फिल करके अगर कहीं छोटा सा, ठीक है, होल लगाएंगे, यू कैन फील दैट एयर. अगर आप यहाँ पे हाथ के ऊपर रखोगे तो वो एयर फिल होगी, यानी क्या है, वो प्रेशर से वो बाहर निकलती. राइट, so ये हो गया air pressure के बारे में. From top, could easily overcome the pressure exerted by air from the bottom.
Hence, there is net force acting. Yes, beta. मैम आपने जो बोला मैम कि है ना वो मैम सक्शन क्रिएट करेगा, तो आपने बोला कि एक जगह से अगर मैम ज्यादा डाला तो मैम वो फिर मैम उतर जाएगा, वो मैम कैसे होगा? सॉरी मैम आपने बोला ना कि है ना अगर एक जगह से हम लोग प्रेशर ज्यादा देंगे और एक जगह से कम देंगे तो गिर जाएगा, लेकिन फिर मैम चिपक जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फाइन। जैसे हमारे पास जो वॉशरूम में क्लींजर होता है ना, वो वॉशरूम का जो क्लींजर होता है ना, वो कुछ टिपिकल ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ये उसकी स्टिक है, ठीक है, ये ऐसी उसकी स्टिक होती है और नीचे उसका एक ऐसे बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये बॉल की जैसे स्ट्रक्चर क्यों है, अगर आप इसको गलती से भी वॉल पे चिपकाओगे ना तो वो आराम से चिपकता है। क्यों? इवन दो वी आर नॉट यूजिंग एनी ग्लू और समथिंग, पर फिर भी वो आराम से चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप उसको वॉल के ऊपर स्टिक करने की कोशिश करते हो सो कुछ अमाउंट में एयर यहाँ पे फिल हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रेशर लगाएगी यहाँ पे जब आप उसको वॉल पे स्टिक करोगे, और ऑलरेडी एक प्रेशर है जो वॉल उसके ऊपर लगाएगी, और वो तब तक वहां पे चिपका हुआ रहेगा जब तक ये इक्वल है। अगर आप उसको थोड़ा सा यहाँ से डिटैच करने की कोशिश करोगे ना तो ये पूरी एयर रिलीज हो जाएगी, यानी अब यहाँ पे वो एयर प्रेशर नहीं है, कम है, बट फिर भी वॉल का प्रेशर है, तो वो वहां से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, मतलब डिटैच हो जाएगा, फाइन, अच्छे से। एक नॉर्मल एग्जाम्पल एक और भी है, हम जो बेडरूम्स के अंदर सक्शन वाले जो स्टैंड होते हैं वो यूज करते हैं, सक्शन वाले, यानी उसके पीछे प्लास्टिक के ऐसे दांत होते हैं, ठीक है। उसको अगर हम जोर से इसके ऊपर रखेंगे, या फिर आप देख लो कि मोबाइल के स्टैंड भी ऐसे अवेलेबल है, ठीक है, वो फ्लावर के फॉर्म में या स्टैंड के फॉर्म में ऐसे स्टैंड होते हैं, उसके नीचे ऐसे प्लास्टिक या रबर के ऐसे ओपनिंग्स होते हैं। अगर उसको आप जोर से किसी सरफेस पे, वो हर सरफेस पे नहीं होगा, कुछ ही सरफेस पे होगा, अगर जोर से आप उसको वहां पे प्रेस करोगे तो वो वहीं पे चिपक जाएगा। फिर उसको निकालने के लिए हमें जोरों से उसको खींचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे क्या क्रिएट हुआ है, सक्शन। सक्शन यानी क्या? नॉर्मल सक्शन का मतलब क्या होता है, इट विल जस्ट एब्जॉर्ब दैट एयर इनसाइड, ना, पूरा वो खींच लेगी। बट जब आप उसको डिटैच करोगे तो वो एक कोने से फिर वो एयर निकल जाएगा, और इसलिए फिर आप उसको डिटैच कर पाते हो। सगनी, समझ में आया? यस मैम, डिटैच कर पाते। ओके, फाइन, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लेना चाहे तो जैसे यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ कॉलम। अगर आप समझ लो कि हमारे पास एक कॉलम है जो ग्लास से बना है, ठीक है, कॉलम यानी वर्टिकल फॉर्म में, हमने उसके अंदर पानी भरा है और नीचे कंटेनर रख दिया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उसका एक एंड ओपन हो सकता है और दूसरा एंड स्टिल है। यस, वेरी गुड, सॉरी मैम। सो दिस ओपन एंड, जो ओपन एंड है, जैसे हमने सिल वाला एग्जाम्पल देखा एक वाटर ग्लास के अंदर, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर एक लीड रख देंगे, कार्डबोर्ड रख देंगे और उसके ऊपर प्रेस करके हम उल्टा करेंगे तो वो पानी बाहर नहीं आएगा, वो सील हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर होगी, ठीक है, जो वाटर है आपके रॉड के अंदर या ग्लास जो वर्टिकल कॉलम है उसके अंदर, उसका प्रेशर, और जो एयर यहाँ पे फिल्ड है आपके कंटेनर के अंदर, उसका प्रेशर सेम होगा तब तक वो सील होके रहेगा, फाइन। सेम चीज हमने प्लास्टिक बॉटल के लिए भी देख ली, प्लास्टिक बॉटल के अंदर एग्जाम्पल देखा, फाइन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे हमने लिक्विड वाले में डिस्कस किया, ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, सिर्फ वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और एयर में क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, फाइन। स्टेट्स अलग होती है और उसकी मॉलिक्यूलर जो वॉकिंग एक्शन है वो अलग होता है, राइट। अब इसका मतलब दो चीज तो साबित हो चुकी है, what is that, first on that land also we are going to feel that, solid substance also feel that pressure, air pressure, right, or pressure, gases molecules, they are also capable of exerting pressure, right, and liquid also capable of exerting pressure, yani tino ke tino capable hai pressure exert karne ke liye, right। example kaise prove kar sakte hai aur wo exactly kaise pressure lagta hai, fine। so yahan par humne ek physics column le liya hai, वो कॉलम ग्लास कॉलम यानी ग्लास से बना हुआ है। हम ग्लास जनरली इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ट्रांसपेरेंटली उसमें से देख पाए जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वो, राइट। तो यहाँ पर वो कॉलम के अंदर अगर हमने एयर फिल करके रखी है, राइट, या फिर एक दूसरा एग्जांपल है अगर हम लेते हैं रबर शक्कर, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, रबर शक्कर यानी जो रबर से बने हुए क्लींजर
बॉल्स, वो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, ठीक है, अगर हम किसी सरफेस के ऊपर उसको चिपकाएंगे तो वो सील हो जाएगा, यानी पूरा टाइटली सील पैक कर देगा उस सरफेस को. अगर उसको आपको ओपन करना है तो वहां पे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेगा, है ना. इसको थोड़ा सा खींच के यहाँ पे ऊपर करोगे तो वो पूरी एयर जो अंदर ट्रैप थी वो बाहर निकल जाएगी, फिर आप उसको डिटेच कर पाओगे इजीली. अगर ये स्टैंड से आप उसको पकड़ के खींचोगे, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सो. ओके, सो जैसे ये वाले डायग्राम ने यहाँ पे बताया है, इफ यू आर इमेजिंग वन यूनिट एरिया, यूनिट यानी सिर्फ इसी कॉलम की हम बात कर रहे हैं अभी, है ना, इसलिए हमने प्रेशर बोला. हम ये नहीं बोल रहे कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे थे बट वो क्या था, हम स्पेसिफिकली बता नहीं रहे थे कि कौन से एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम एक स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अवर प्रेशर, राइट. सो इन अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ वॉट, इट्स फिल्ड विद द एयर, देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर, वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एयर प्रेजेंट है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर, ठीक है, वो दोनों अप्लाई हो रहे हैं. नाउ व्हाट इज अवर पॉइंट, ये डिस्कस हम क्यों कर रहे हैं, सेम अभी जितने भी एग्जांपल्स देखे वो सब में एक चीज कॉमन है. देखो पूरे चैप्टर में वो चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, ठीक है, एक चीज कॉमन रहेगी, उसका जो कंसेप्ट है वो, ठीक है, जो हम हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं हर एक टॉपिक के लिए, वो बस वो याद रख लो, बाकी सारे एग्जाम्पल्स के लिए वो सेम ही रहेगा, ठीक है. सो हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, हम क्या कैसे बता सकते हैं कि वो ज्यादा है या कम है ना. सो उसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किए थे जितने भी देखे. अगर हमें ये एटमोस्फेरिक प्रेशर फिल करना है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे यहाँ पे दिखाया है ना, यू आर गोइंग टू पुट दैट प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर ऑन योर हेड, यानी जो कॉलम अभी हमने एयर से फिल किया था उसको अपने हेड के ऊपर रख के देखो. व्हाई, हम फिल करना चाहते हैं दैट एटमोस्फेरिक प्रेशर है या नहीं, है ना. तो 15x15 सेंटीमीटर का हमारे पास एक कॉलम है, राइट. सो डज इट गिव यू दैट आइडिया अबाउट एटमोस्फेरिक प्रेशर, हाँ, कैसे कैसे पता चलेगा कि प्रेशर है वहां पे. सो द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ दिस हाइट, दिस इज 15x15, है ना, ये 15 है और ये भी हाइट भी 15 सेंटीमीटर है. सो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, दैट इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट इज 225 किलोग्राम. अगर आप ये मेजर करने जाओगे वो 225 किलोग्राम है, जो नियरली किसकी ग्रेविटी के किसके वेट के समान है, या फिर कितने मैग्नीट्यूड के समान है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना ही लगता है, 225 केजी या फिर न्यूटन में, क्योंकि फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, सो दैट इज 225.0, दैट इज न्यूटन. एंड अगर किलोग्राम में वेट हमें देखना है कि ये कितना वेट है अभी हमारे सर पे, तो 225 केजी. But why we are not able to just feel that pressure? अगर इतना ज्यादा है तो, अगर इतना ज्यादा 225 तो हम तो पूरे क्रश हो जाने चाहिए ना, हाँ या ना. But we are not going to see that. क्यों? Because this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal up. यानी हमारा बॉडी भी उतना ही प्रेशर इस कॉलम के ऊपर लगा रहा है जितना ये कॉलम जो एयर से भरा है वो लगा रहा है, तो ये इक्वल अप हो जाएगा, यानी फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा. ब्लड वो लगाता है प्रेशर, सिर्फ ब्लड नहीं, हर एक बॉडी का पार्ट, हर एक का मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, पूरी बॉडी यानी मास, मास यानी हेड से लेकर टो तक जितने भी, अगर हेयर है तो हेयर का भी वेट, और अगर टो से अगर नेल है तो नेल का भी वेट, एवरीथिंग बॉडी. इसलिए वो ह्यूमन बॉडी पूरा बॉडी यूज किया गया है, ठीक है, इसलिए हम वो प्रेशर कभी फिल नहीं कर पाते. बट ये प्रेशर वहां पे चेंज हो जाता है जब हमारी बॉडी एंटर होती है स्पेस में. अगर ये नॉर्मल बॉडी एंटर हो जाएगी स्पेस में सीधा विदाउट वेयरिंग स्पेस सूट, तो वो प्रेशर हमें फिल होगा ही होगा, पूरा बॉडी वहां पे क्रश हो जाएगा. ओके, बट वी जनरली डोंट फील दैट प्रेशर ऑन दिस प्लेनेट. यस बेटा. मैम अगर हम स्पेस में बिना स्पेस सूट के जाए, मतलब मैम पूरी बॉडी क्या मैम टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगी, पूरा क्रश. टुकड़े भी नहीं मिलेंगे बेटा, टुकड़े भी नहीं मिलेंगे. द थिंग इज सर कि वहां पे प्रेशर बहुत, सिर्फ प्रेशर नहीं, वहां पे हमारा जरूरी एटमोस्फियर नहीं है, ठीक है, वो भी होगा वहां पे, सोलर फ्लेयर्स, बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स वहां पे काम करना स्टार्ट कर गई, ठीक है. ओके, और लास्ट एग्जाम्पल है दैट इज ये एक एडवांस फॉर्म है, यानी हम देखेंगे कि कितना सबसे ज्यादा फोर्स हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं हमारे प्लेनेट पे. सो साइंटिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट ने 17th सेंचुरी में एक इन्वेंट किया था पंप. ओके, वो पंप में
अगर आप समझ लो कि हमारे पास दो हाल्व्स है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर यानी क्या, अगर हमारे पास कोई राउंड शेप का कोई स्ट्रक्चर है, अगर उसको हम सेम पार्ट में कट करते, हाल्व्स, हाल्व्स यानी टू पार्ट्स, अगर आप बीच में से कट करोगे तो दोनों इक्वल पार्ट यहाँ पे, जैसे टेनिस बॉल को कट करते हो आप, राइट, तो आपको इक्वल हाल्फ मिलेगा, हाल्व्स मिलेंगे उसके, राइट। तो ये जो है, अगर हमने उसको ज्वाइन करके रखा है और हम दोनों साइड पे उसको कनेक्ट करते हैं हॉर्सेस से, अब ये हॉर्स क्यों आए और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सो आई लेट यू नो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, ओके, अबाउट। सो इफ वी आर गोइंग टू जस्ट प्रिपेयर दैट पंप, एक्सट्रैक्ट दैट एयर आउट ऑफ वेसल विद द हेल्प ऑफ दिस पंप, ये डेमोन्स्ट्रेट दैट ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, यहां तक का सब बुझाओ। हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फोर्स और प्रेशर, ओके, हम क्रिएट कर सकते हैं या है या नहीं, ठीक है। सो ही ज्वाइन टू होलो मेटालिक हेमिस्फीयर, जो मेटल से बने हैं, मेटल का पूरा बॉल बीच में से काट के फिर उसको ज्वाइन करके रखा, ठीक है। एंड दैट हेमिस्फीयर इज ऑफ 51 सेंटीमीटर, बहुत ही ज्यादा बड़ा, राइट। एंड पंप एयर आउट ऑफ देम, यानी उसके अंदर क्या हमने पंप करके रखा है एयर। देन ही एम्प्लॉयड 8 horses ऑन ईच हेमिस्फीयर, एक साइड पे 8, दूसरे साइड पे 8। फिर उसने क्या किया, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में भगाया, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, क्रिएट करना था प्रेशर किसके ऊपर, जो हमने दोनों हाल्स को, दोनों हेमी, हेमी यानी हाफ, स्पीयर यानी राउंड शेप, ठीक है, यानी स्पीयर का आधा पोर्शन, हेमी स्पीयर, राइट। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, क्यों, यहाँ पर भी सेम रीजन लागू होगा कि जितना प्रेशर ये हॉर्सेस लगा रहे हैं उसको तोड़ने में, उतना ही प्रेशर ये मेटालिक बॉल भी लगा रहा है हॉर्सेस के ऊपर, ठीक है, और उसको हॉर्स पावर बोला गया, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट जो पावर यहाँ पे जनरेट हुआ उसको हॉर्स पावर बोला गया, वो आप हायर स्टैंडर्ड में स्टडी करोगे, ठीक है। हॉर्स पावर यानी जो फोर्स लगाया हॉर्सेस ने यहाँ पे इस मेटालिक बॉल पे जो ऑलरेडी फिल्ड है एयर के साथ, राइट, उसको हॉर्स पावर, वो सबसे ज्यादा पावर है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द टेक्सचुअल एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंटल फॉलोइंग, ये सारा बाद में करेंगे, पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फाइन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन दैट फॉलोइंग सिचुएशन, an agent exerting force and the object on which it acts, okay, and state the effect of the force in each case. Pehla case is squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. So hame yahan pe kya measure, hame likhna kya hai, yahan pe kya find out karna hai, identify the agent which exerting the force, kaun force yahan pe exert kar raha hai, so we are squeezing it, to hamare fingers squeeze kar rahe hain, right, और वी कैन से एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट, किसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है, तो लेमन के ऊपर, फाइन। एंड थर्ड थिंग हमें बतानी है कि इसकी इफेक्ट क्या होगी, फोर्स देने पर क्या होगा, तो लेमन स्क्वीज होके लेमन जूस वहां पे एक्सट्रैक्ट होगा, ओके। सेकेंड है टेकिंग आउट द पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट, तो आप कैसे उसको एक्सर्ट कर रहे हो प्रेशर, आपके फिंगर से उसको स्क्वीज कर रहे हो और वहां पर से टूथपेस्ट बाहर आया, किसके ऊपर लगा रहे हो, टूथपेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो पेस्ट वहां से स्क्वीज आउट होगी। देन नेक्स्ट इज अ लॉड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल, ओके। नॉर्मल सी थिंग है, अगर समझ लो कि हमारा वॉल है जहां से जनरली हमारा हुक, जहां पे हम अपना झूला हैंग करते हैं, राइट, वो झूला हैंग करने के लिए ऊपर का जो सर्फेस है वो बहुत ही फर्म एंड स्ट्रांग होना चाहिए, तो वहां पे कौन किसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, जो आपका झूला है वो भी प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा, झूला जो है उसका वेट वो कम है कंपेयर टू योर वॉल, है ना, और इसलिए इफेक्ट वो हैंग कर सकता है इसलिए वहां पे। मैम ये आप टेक्स्टुअल एक्सरसाइज पढ़ रहे हो? यस बेटा। मैम पर ये क्वेश्चन तो मेरे बुक में है ही नहीं। कौन से क्वेश्चंस नहीं है बेटा? मैम ये आपने अभी जो लेमन वाला बोला, कोई बात नहीं, मैं इसलिए वर्बली उसको शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ओके।
फिर नेक्स्ट है एन एथलेटिक. ओके एन एथलेटिक मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, यानी बीच में जो भाई हाई जंप यानी एक ऐसा ऑब्स्टिकल रखा होता है, ठीक है, उसको उसके ऊपर से कूदता होता है, राइट. तो यहाँ पर कौन सी केस में हम बोल सकते हैं कि इट्स एक्सर्टिंग फोर्स, वो कैसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, किसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स वहां पे, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, है ना. फोर्स कैसे जनरेट कर रहा है, वो बॉडी से मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर रहा है ना, तभी वो हाई जंप ले पाएगा, उसके ऊपर से उठ पाएगा, राइट. तो वो किसके ऊपर बट एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्स, नीचे लैंड के ऊपर, ठीक है, फिर वहां से जंप करेगा और नीचे. ओके सो एन एथलेटिक मेक अ हाई जंप टू क्लियर द बार, बार यानी जो बीच में एक ऑब्स्टिकल रखा होता है वो एट अ सर्टेन लेवल, फाइन. वहां पे मैकेनिकल और बॉडी स्ट्रेंथ वो ज्यादा होनी चाहिए तभी इतना हाई जंप ले पाएगा आप. और हम अगर सडनली ये करने जाएंगे सो देर आर चांसेस ऑफ दैट अवर मसल्स विल जस्ट चॉक अप, है ना, हो सकता है कि वो पूरा अभी इंजर्ड हो जाए. अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, क्योंकि पहले तो आयरन मेटल है, इजिली आप उसको वहां पे हीट नहीं कर पाओगे, इसलिए हम उसको पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, राइट, क्योंकि उस टाइम पे वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है. एंड देन वी आर गोइंग टू हॉट पीस ऑफ आयरन एंड देन वी आर गोइंग टू मोल्ड इट इन एनी फॉर्म दैट वी वांट, राइट, वो इंपॉर्टेंट है बताना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ. ओके नाउ दिस इज दैट एग्जांपल रिलेटेड टू अवर नेचुरल फेनोमेनन. हमने इन्फ्लेटेड बलून को मैम चार्जेस राइट यहाँ पे रब किया, फिर उसको किसके नजदीक ले जाएगा, इट वॉज फाउंड दैट बलून स्टिक, क्योंकि दोनों मटेरियल अलग है, यानी कि दोनों के ऊपर बहुत ऑपोजिट चार्जेस हो गए, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट, और इसलिए वो क्या करेंगे दोनों को अट्रैक्ट, है ना, यू विल सी दैट अट्रैक्शन. नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव अ ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, यानी एक बकेट पड़ी है हमारे सामने जो पानी से भरी है, अगर हमें उसको पुल करना है, उठाना है, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स हम लगाएंगे मैम, मस्कुलर फोर्स, करेक्ट, मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कब वो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा, व्हाई फोर्सेस एक्टिंग, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बकेट के ऊपर, जब उसको पुल करेगी तभी वो ऊपर उठेगी, तब तक वो वहीं पे पड़ी थी, तो उस टाइम पे उसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स उस टाइम पे लग रहा था बेटा जब मैम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, हमने देखा था स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा है तो वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, दोनों जो भी मटेरियल्स है वो इंटरलॉक्ड है, अभी वो इंटरलॉक तोड़ने के लिए हमने क्या किया, मस्कुलर फोर्स लगाया, तभी हम उसको पुल कर पाए, राइट. और रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, है ना. सो नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड. एक तो ग्रेविटेशनल है और दूसरा कौन सा है, फ्रिक्शनल. फ्रिक्शनल भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा, करेक्ट बेटा. When we press the bulb of a dropper with nozzle, एक nozzle dropper जैसे आता है, right? In a water, air in a dropper is seen to escape the form of in form of bubbles. So once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. है ना? ये पता है कि dropper से हम कैसे उसके अंदर पानी भर पाते? पहले हमें squeeze करना पड़ता है, उस time पे अंदर कुछ नहीं होता है, सिवाय कि air. पर जब उसको हम enter करते हैं किसी water body के अंदर, तो वो पूरा पानी वो drop आपके dropper के अंदर fill होता है. क्यों? And for atmospheric pressure, atmospheric pressure or pressure of water, and pressure of water, decide karo pressure of water pressure or of pressure water. Of water ma'am, pressure of water ma'am, why water water pressure beta, agar water ka pressure hai to q, atmospheric pressure hai to q, kyunki jaise ye hamara dropper ka structure hai, theek hai, ये सपोज हमारा एक ड्रॉपर है. अब हम जनरली क्या करते हैं, इसको हमें स्क्वीज करना पड़ता है, हम प्रेस करेंगे और ये हमारा
ग्लास है जो पानी से भरा, ठीक है। और जब आप ग्लास के अंदर उसको यहाँ पे पहले आपने उसको स्क्वीज किया, यानी अंदर की लगेगा ना, एक मिनट बेटा, जब स्क्वीज कर रहे हो तब एक्चुअल में क्या हो रहा है, एयर पंप कर रहे हैं, करेगो स्वीज करोगे तब अंदर एयर जा रही है या बाहर जा रही है? बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, एयर बाहर जा रही। ओके, कुछ अमाउंट में एयर वहां पे प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? मैम होगी। ओके, अब जब आप स्क्वीज कर रहे हो, ठीक है, स्क्वीज किया आपने, अब वहां पर आप डालोगे उसको पानी के अंदर, यानी आपने जगह बनाई है किसके लिए, पानी के लिए, पानी के लिए, पानी के लिए, ठीक है, इसलिए आपने स्क्वीज किया, फिर जाने दिया पानी में। अब जब आप उसको रिलीज करोगे तब क्या होगा, जो अमाउंट है आपकी हाँ, वाटर विल स्टार्ट फीलिंग दैट प्रॉपर, यानी प्रेशर कौन लगा रहा है, वाटर, वाटर किसके ऊपर लगा रहा है, जो थोड़ी सी भी अंदर एयर प्रेजेंट है उसके, तो अगर वहां पे एयर थोड़ी सी बच गई होगी तो वो एयर आपको ड्रॉपलेट, एयर बबल के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगी, और वो बबल हमें फोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाद में लेंगे, फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ए सिचुएशन इन व्हिच पुश और पुल और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब आप पुश करते हो तो उसके मोशन के स्टेट, स्टेट यानी क्या, वो मोशन में, मैंने कि वो जिस जगह में है अभी वो हमें डिस्क्राइब करता है। दो एग्जांपल कौन से हो गए पुश और पुल के, अगर आप दरवाजा बंद कर रहे हो या ओपन कर रहे हो, है ना, तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा, डेफिनेटली होगा, वो मूव करेगा, कुएं से पानी तुलना, राइट, करेक्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच अप्लाइड फोर्स causes a change in the shape of object. Ma'am, kneading of dough. Ma'am, kneading of dough. And squeezing of smiley ball. Squeezing of smiley ball. So shape change ho jayega. Fine. Fill in the blanks. To draw water from a well, we have to pull. Ma'am, pull the rope. Pull the rope. Hai na? You're going to pull that rope, tabhi wo upar aa payega. A charged body. Attract. That. Attract. Affection. Attract. दोनों चार्जेस होने चाहिए और दोनों ऑपोजिट हो गए तभी तो वहां पे अट्रैक्शन होगा। कैन वी से दैट? यस मैम। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे? रिपेल। रिपेल, रिपेल मैम, उसके लिए भी तो चार्जेस होने चाहिए ना, जब सेम चार्जेस तभी रिपेल करेंगे मैम, तो फिर अट्रैक्ट ही आएगा ना, क्योंकि वो ऑपोजिट होता है ना। बेटा जितने डॉट्स बना रहे हैं बना लो आप, है ना, यहाँ पे, ठीक है, जो लिखना है लिख लो, चलो आंसर लिख लो बेटा आप। क्या होगा इसका आंसर? चार्ज बॉडी रिएक्शन, क्या आंसर हो सकता है? मैम भी नहीं हो सकता और अट्रैक्ट भी नहीं हो सकता मैम, नॉट विल नॉट अट्रैक्ट हो सकता है, चार्ज बॉडी विल नॉट अट्रैक्ट अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, वे कुछ मैम आंसर एक टुवर्ड्स इट है, मतलब क्या हुआ, हमेशा की तरफ अट्रैक्ट, टुवर्ड्स इट है मतलब क्या हुआ, अगर रिपेल होता तो, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता तो टुवर्ड्स इट होता? नो मैम। तो क्या चांसेस है यहाँ पे? अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, क्यों अनचार्ज बॉडी? मैंने बोला था क्योंकि, हाँ बेटा, बट एक स्पेसिफिक रीजन देना जरूरी है, आप रीजन बताओ मुझे कैसे, तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि अनचार्ज, तो हम तो यही समझेंगे कि अनचार्ज ही है, तो फिर वो कैसे अट्रैक्ट कर रही है बताओ मैम, क्योंकि इसमें फिर भी मैम कुछ मतलब ऐसे चार्जेस होंगे जो मैम अट्रैक्ट होंगे उसके पास, और वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी वहां पर से चार्जेस कहीं पे ट्रांसफर हो चुके हैं, बस समझ लो कि जैसे कि ये रोड है, ठीक है, ये हमने कहीं पे रब कर दिया, ठीक है, तो सारे चार्जेस वहां पे ट्रांसफर हो गए, पर थोड़े से चार्जेस हो गए
जो अभी भी वहीं पे हो, और दोनों चांसेस है, पॉसिबिलिटीज दोनों में दोनों की है, पॉजिटिव और नेगेटिव की, है ना। ये नेचुरल फेनोमेनन में हमने स्टडी किया है, स्पेसिफिक एक जगह पे पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही नहीं होगा, वहां पे हो गए नेगेटिव चार्जेस बट वो कम हो गए, इसलिए वहां पे कौन डोमिनेंट होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्जेस। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश, मैम पुश है, ड्रैग भी कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा लोडेड है तो पुश वाला आंसर ही सही। नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैम कैन आई से राइट रिपेल, सिंपल सा एग्जांपल है राइट। ओके नेक्स्ट, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो, अगर कोई आर्चर है शी इज गोइंग टू स्ट्रेच हर बो, है ना, उसका जो ये यू विल सी कि उसको स्ट्रेच करना पड़ता है ये पहले, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेच होता है कुछ ऐसे, तब जाके रिलीज कर पाते हैं हम एरो को एक स्पेसिफिक टारगेट पे, राइट। सो व्हाई वी आर डूइंग इट, which begins to move towards the target based upon this information, fill up this gap. First question is to stretch the bow, yani hamare paas already upar options hai, to stretch a bow, right, hum stretch kar rahe usko. The archer applies a force that causes a change in its shape, muscles, shape hoga beta, muscular nahi, dekho ab match ho raha hai ki muscular, it's muscular, ye incomplete answer hai. देखो यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है अगर वो स्ट्रेच कर रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रहा है तो उसका शेप चेंज हो रहा है, फिर वो रिलीज होकर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। द मस्कुलर सेकंड वाले में आएगा, अरे जो फोर्स अप्लाई किया है आर्चर ने वो फोर्स कौन सा है? मस्कुलर फोर्स है। अब जो टाइप है फोर्स, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ विच फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स ही जाना चाहिए, तो ये कैसा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स है ना, यहाँ पे ये कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट, तो आपको कांटेक्ट कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट किए तो आप उसको रिलीज नहीं कर पाओगे। व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू व्हाट, किसकी वजह से वो एक्ट कर रहा है? अब किसकी वजह से एक्ट कर रहा है? एंड दैट ड्यू टू ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एयर, पहले तो फ्रिक्शन ऑफ एयर हो गया, सेकेंड आंसर क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक, और दूसरा फर्स्ट आंसर क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक कैसे आएगा बेटा, ऐसा कोई आंसर ही नहीं है ऊपर, देखो कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट है आपके पास ऑप्शन, ग्रेविटी है, फ्रिक्शनल है, सो द टाइप ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ, सॉरी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है बेटा? यहाँ पे एरो मूव्स टूवर्ड, यानी आपने यहाँ से रिलीज कर दिया, अब वो हवा में ऐसे यहाँ पे पेनिट्रेट हवा को करके कहाँ पे जा रहा है? डायरेक्शन उसकी टारगेट के साइड पे है, तो व्हाइल द एरोस दैट एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, एरो के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जब वो एयर के थ्रू जा रहा था तब कौन सा लग रहा था? फ्रिक्शन, सिंपल, ठीक है, यस मैम। फाइन, अब कौन सा क्वेश्चन रह गया? ओके हो गया, ओके फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, बेटा टेक्सचुअल एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, फाइन मैम, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, अभी आपके पास 5 मिनट है, प्लीज गो थ्रू वंस विद दैट ऑल द टॉपिक्स, ओके एंड विल डिस्कस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट मैम। यस मैम, आप रिविजन कब चालू करोगे? ओके कौन सा रिविजन बेटा? आपके ईयरली एग्जाम का? हाँ मैम, अभी बस 7 दिन बाकी एग्जाम के, मेरे पास 7 दिन बाकी है, मतलब एग्जाम के 7 दिन बाकी है, ठीक है, मैंने क्या बताया, चलो ठीक है, आज से ही वो स्केड्यूल फिक्स करते हैं, फाइन बेटा। पहली चीज, आपके जो चैप्टर्स है 7 दिन हो या 17, पहले आपको वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा डिफिकल्ट है, राइट। तो हम पूरा का पूरा रिविजन, लेट्स सी, अगर सबका साथ में होता तो हम डेफिनेटली पूरा रिवाइज करते जितने भी चैप्टर्स होते, बट आपको पता है कि वो लिस्ट लंबा है, अगर मैं कोई एक चैप्टर को पूरा रिवाइज भी कर रही हूँ, राइट, इट विल टेक मैक्सिमम 15 मिनट्स, चलो ठीक है, हम 15 मिनट्स मान के चलते हैं, जैसे ये वाला चैप्टर है तो हम पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, जो मेन टॉपिक्स है या उसका ओवरव्यू है सिर्फ वही कंसेप्ट हम रिवाइज कर लेंगे, बट फिर भी अगर हम मैक्स टू मैक्स 10 या 15 मिनट्स भी मान के चलते हैं तो
कम से कम 10 चैप्टर हो गए, क्योंकि आपके स्कूल से अगर 5 चैप्टर है तो दूसरे स्कूल से 2 और हो गए, दूसरे किसी स्कूल से 2 और हो गए, ऐसे करके 7-8 मिनिमम चैप्टर्स हो गए, ठीक है। इफ यू वांट तो हर लास्ट 10 मिनट्स पे हम वो पूरा चैप्टर में रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि जो डाउट्स है उसके ऊपर रिवाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं, आप डिसाइड करो बेटा कैसे करना है। हाँ मंजर बोलो, डाउट्स के ऊपर ठीक है। मंजर बोलो बेटा आपका क्या क्वेश्चन है। मैम मेरी कल साइंस की एग्जाम है स्कूल। वो ईयरली एग्जाम है आपकी? मैम ऐसे वन है। सॉरी ऐसे वन है, सेमेस्टर वन। सेमेस्टर वन की फाइनल एग्जाम है ये आपकी? नो नो मैम, पीरियोडिक टेस्ट 2 है। अच्छा पीरियोडिक टेस्ट है। कोई डाउट है बेटा आपको? मंजर नो मैम। ऐसे प्लीज ऐसे शॉक मत देना, है ना, आपकी डेट आ जाए उसके एक वीक पहले बता देना, एटलीस्ट एक वीक मैक्सिमम, ऑल इनफ है। पता चला कल एग्जाम है और मैम नेक्स्ट मंडे मेरी एग्जाम है 80 मार्क्स की। ठीक है तो आज से हमारा स्टार्ट होता है मीट, फाइन। हम हमारा जो नेक्स्ट जितने भी सेशन है, आपको अगर कोई डाउट है चैप्टर को लेके तो आप अभी पूछ सकते हो, हम आज से स्टार्ट करेंगे वो, ठीक है। डाउट्स के ऊपर करना है तो डाउट्स के ऊपर जा सकते हैं, पूरा चैप्टर बोलो पंक्ति डाउट्स के ऊपर, ठीक है। हमारे स्कूल में साइंस की एग्जाम की डेट आ गई। आ गई कौन सी है? 27 सितंबर। ठीक है बेटा, नो इशू, कर लेंगे। सागनिक? हाँ मैम, मेरे को मैम चैप्टर नंबर 8 से डाउट है मैम। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम आपको करना पड़ेगा। मीत आपने पूरा पढ़ लिया है बेटा एक बार, या आप स्टार्ट करने वाले हो? नहीं मैम पढ़ तो मैंने कब का लिया है। किसकी एग्जाम है एक वीक बाद? रेज योर हैंड। मीत के साथ और कौन है सेम स्कूल में? आपका काम ये है कि पूरा जाके, सपोज 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर में जाके देख लो कि आपको कौन सा कॉम्प्लिकेटर लग रहा है, वो मार्क करके रखो टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट हमारा जब भी सेशन होगा सबसे पहले वही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मीट इज दैट ओके? आपको डाउट्स के बेस पे जाना है बेटा या पूरा चैप्टर रिवाइज करना है? वी कैन डू बोथ। मैम डाउट्स के बेस पे ही, ठीक है ओके। मैम अगर जो चैप्टर आपने नहीं करवाया उसमें से पूछे चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हमने कौन सा नहीं करवाया? मैम चैप्टर 7 मैम। कौन सा है वो? मैम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो बाकी है? हाँ मैम। ठीक है तो वो सबसे पहले ले लेंगे। ये आपकी 80 मार्क्स वाली एग्जाम है मैम मेरी? यस मैम। 80 मार्क्स के लिए मैम 30 मार्क्स की हो गई अभी मैम, ये 40 मार्क्स की होने वाली और 10 मार्क्स का टेस्ट होगा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट बेटा वो हाफ जो ईयरली वाला आपका एग्जाम है मेन, हाँ मैम उसके अंदर है। हाँ मैम उसके अंदर है। ठीक है तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कंजर्वेशन इन प्लांट, जो भी कंजर्वेशन है एनिमल्स और चैप्टर। मैम यस बेटा। मैम माय 14 चैप्टर इज देयर इन हाफ ईयरली। और आपका डेट कौन सा बेटा? 13। यस मैम आई एम सीइंग जस्ट अ सेकंड। आपकी डेट बाद में थी राइट, इसलिए हमने ऑर्डर डिसाइड किया था कि पहले हम ले गए रिप्रोडक्शन, क्योंकि उस टाइम पे कंजर्वेशन वाला नहीं लिया था हमने, तो कंजर्वेशन अब हमारा ऑर्डर होगा, कंजर्वेशन रिप्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिक करंट वाला था। आप देखते हैं कि आपकी डेट। हाँ बेटा पंक्ति बोलो। मैम लगता है दिवाली से पहले पूरी। हाँ मैम सच में मैम खत्म हो जाएगी। सी द थिंग इज दैट अगर मैं खत्म नहीं करूंगी तो आपको ऐसे लगेगा कि हमने। हाँ बोलो बेटा कौन सी है? मैम माय डेट इज 23 सितंबर। हाँ तो आपका टाइम है ना, आपका कौन सा चैप्टर है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट वाला बोल रहे ना? यस मैम। हाँ तो इसलिए वो बाद में रखा था। और रिप्रोडक्शन वाला किसके स्कूल में था बेटा? वो पहले 15 सितंबर किसका था? किसी का था राइट, वहां पे रिप्रोडक्शन वाला था। और कंजर्वेशन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सागरिक डोंट वरी, जितने भी चैप्टर से बेटा आप और मीत दोनों जरा उसको जरा गो थ्रू कर लो, मार्क करके रखो जो भी क्वेश्चन है। मैम गो थ्रू तो मैम कर लिया है, बस मैम डाउट सारे मार्क करके रखे, बस पूछने की बारी है। हाँ सारे ले लेंगे, ठीक है। कंजर्वेशन वाला चैप्टर है बहुत छोटा भी है मैम, तो हो जाएगा। हाँ, उसमें ज्यादा थियरी या कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंजर्वेशन है, कैसे कंजर्व करते हैं और क्यों करते हैं उतना ही है। सो दोनों पर फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते बेटा, ओके। प्लीज टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।